बच्चों मैं विक्की शेम एंड विक्की कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज पढ़ाऊंगा आपको महिला में बच्चे वाले सवाल। महिला बच्चे वाले सिर्फ दो सवाल होते हैं और उन दो सवाल को ही तरह तरह से घुमाया जाता है। तो कितने सवाल होते हैं? दो सवाल होते हैं केवल। लेकिन ये क्या करते हैं, इन दो सवाल को तरह तरह से घुमाते हैं। जिस बच्चे ने दो सवाल मेरे तरीके से समझ लिए उसको कभी भी कोई भी सवाल महिला बच्चों वाला जिंदगी भर परेशान कर नहीं सकता, मेरा इस बात का आपसे दावा है। तो शुरुआत करते हैं महिला बच्चों वालों की। पहले मैं लोग समझाऊंगा, फिर वो लोग क्यों अच्छा नहीं, हम कहां मार खा सकते हैं, फिर उसका दूसरा तरीका समझाऊंगा, फिर वो क्यों अच्छा नहीं, हम वहां मार कहां खा सकते हैं। उसके बाद मैं आपको एक लाइन का शॉर्ट बताऊंगा तो आपको पता रहेगा शॉर्ट कैसा बना, किस प्रकार बना। तो आप मेरे साथ ये सवाल देखे जिंदगी भर, मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिंदगी भर तुम्हें महिला बच्चों वाले सवाल कभी परेशान नहीं करेंगे। पहला सवाल है, तीन पुरुष किसी एक काम को 5 दिन में कर सकते हैं तथा 5 महिला वही कार्य 18 दिन में कर सकती है, तो बताओ 4 पुरुष और 10 महिला मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगी। मेरे साथ पढ़ना है, मैं तो आप बहुत धैर्य रखना पड़ेगा। तो सवाल क्या है समझा, कहा गया है तीन पुरुष एक काम को 5 दिन में कर सकते हैं, 3 पुरुष 1 काम को 5 दिन में कर सकते हैं। एक काम का मतलब क्या, कोई काम है पता नहीं क्या है, खेत खोदने का हो, गेहूं काटने का हो, कोई भी काम है, मैंने पता एक काम का मतलब है कोई एक काम है। फिर क्या कहा गया कि 5 महिला वही काम 18 दिन में करती है, तो 4 पुरुष और 10 महिला मिलकर इस काम को कितने दिन में करेगी। और यानी कि और तथा का जो मतलब होता है वो होता है जमा, यानी कि 4 पुरुष और 10 महिला मिलकर जावे तो यह काम कितने दिन में करेगी। तो देखो आप, 3 पुरुष किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं, 5 महिला वही काम 18 दिन में कर सकती है, तो 4 पुरुष और 10 महिला मिलकर इस काम को कितने दिन में करेगी, यानी कि जिस काम को ये कर रहे उस काम को ये काम कब करे, जब कोई काम होगा। तो मेरा तरीका देखो आप, मैं गलत तरीके से पढ़ाऊंगा सवाल कि यो गलत तरीके से भी हो सकता है और बहुत ही गलत तरीके से, तो समझे कर आप। तो सबसे पहले क्या मान लेंगे, खेत माना 18 बीघे जो दोनों से कट जा, सॉरी ये मान लिया मैंने आपके, सॉरी 6 कर लो, क्या कर लो इसे 6, तो कितना आ गया, दोनों से कटने वाली संख्या आ गई 18, 6 से भाग कर 6 18, 3 बीघा 18 एकम 18,
एक दिन में एक बीघा, एक दिन में तीन बीघा। तो देखो पूछा गया चार पुरुष दस महिला मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। अब भैया पांच महिला ने एक बीघा, पांच महिला ने एक बीघा तो दस महिला ने दो बीघा, पंद्रह महिला ने तीन बीघा, तो दस महिला क्या खुद देगी दो बीघा। पांच महिला एक बीघा तो दस महिला दो बीघा। समझो कि सवाल में गलत तरीके से पढ़ा रहा हूं, लेकिन समझो क्यों गलत है, कारण क्या है, समझो सवाल को एक बार। अगर आप मेरे साथ एक और मैथ पूरा पढ़ लोगे जिंदगी भर तुम्हें कोई मैथ परेशान कर नहीं सकता, मेरा दावा है इस बात का। तीन पुरुष एक दिन में कितना, तीन बीघा। तो तीन पुरुष एक दिन में तीन बीघा, तो एक पुरुष एक दिन में एक बीघा, तो चार पुरुष एक दिन में कितना खोद देंगे चार बीघा। तो अगर ये जाओगे एक साथ तो कितना खोद देंगे एक दिन में छह बीघा। तो टोटल काम कितने दिन में हुआ, अठारह बटे छह बराबर तीन दिन। इसका रियल में आंसर है यो, इसका रियल में ही आंसर है तीन ही। लेकिन यो सवाल गलत तरीका क्यों समझता हूं मैं, सवाल गलत नहीं है, मैं इसे सवाल को गलत तरीके से क्यों समझता हूं, सवाल गलत है, समझे आप। हमने क्या करा, पांच महिला का एक बीघा तो दस महिला का दो बीघा, इसी आधार पर पता लगा लिया। तीन पुरुष का तीन बीघा तो एक पुरुष का एक बीघा, इसी आधार पर लगा लिया। चलो यो सवाल तो हो गया, लेकिन अगर यहां कर दूं मैं सात पुरुष, यहां कर दूं मैं छह महिला, तो छह महिला एक बीघा तो दस महिला कितना खोद देगी, ये निकालने में हमें दिक्कत आओगी। वो इत्तिफाक है कि सवाल ही सेट था, सवाल ऐसा बना रखा था जो एकदम हो गया। अगर मैं यहां छह कर दूं, छह महिला एक बीघा तो दस महिला क्या एक बीघा नहीं काट सकते, दिक्कत आओगी। सात पुरुष एक बीघा, सात पुरुष ने खोदा तीन बीघा तो चार पुरुष कितना, जब एक पुरुष का ही नहीं पता तो चार का क्या रखेंगे। तो यानी कि इस तरीके से सवाल नहीं करना चाहिए, इसलिए तरीका गलत है क्योंकि ये सवाल तो चलो सेट था, लेकिन हर सवाल सेट नहीं होता। तो इस सवाल को कैसे करेंगे, समझे आप। देखो आप, तीन पुरुष किसी काम को छह दिन में, एक काम यानी कि कोई भी काम है, पांच महिला कितने दिन में अठारह दिन में, तो चार पुरुष और काम करो तथा दस महिला कितने दिन में करेगी। बात तो आपकी क्लियर बिल्कुल। तो देखो एक सवाल समझाता हूं आपको मैं, हम जो आज तक सवाल करते आए, अब तक की वीडियो में सवाल करते आए, एक पुरुष किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, एक महिला वही काम 20 दिन में कर सकती है। तो अगर मैं ऐसे करूं, ऐसे पूछूं दो पुरुष, अगर मैं ऐसे पूछूं दो पुरुष तीन महिला इस काम को कितने दिन में करेगी, यह सवाल बिल्कुल हो जाएगा। क्यों, दो पुरुष तीन महिला इस काम को कितने दिन में करेगी, काम जब करेगी, जब कोई काम होगा, माना कितना 60 बीघा, कटने वाली संख्या दोनों से। अब एक पुरुष कितना खोद देगा, 30 से भाग करा दो, 20 से भाग करा तीन। जब हमें एक पुरुष का काम पता है, जब हमें एक पुरुष का काम पता है कितना करे एक दिन में दो बीघा, अगर मैं दो पुरुष ले जाऊंगा तो कितना करेंगे चार बीघा, एक महिला एक दिन में तीन बीघा तो तीन महिला कितना नौ बीघा, तो नौ चार तेरह, एक दिन में कितना तेरह बीघा। क्लियर, तो 60 बटे तेरह आंसर काट लियो। तो ये सवाल क्यों हो पा रहा हमारा, क्योंकि हमें एक पुरुष का काम पता है, एक महिला का काम पता है। तो अब यहां दो पुरुष का रखो काम, चाहे तीन का पूछो, चाहे तीन महिला का काम पूछो या चार का पूछो, कर दो भाग धर कर।
तो हमें जिस प्रकार जो सवाल है, हमें वो सवाल ऐसा ही बनाना है। तो अब यह तीन पुरुष, समझे इसको भी, तीन पुरुष कितने दिन में कर रही है, छह दिन में। इसका मतलब आप ऐसा समझो, ऐसा समझो आप कि कोई खेत है, मेरा खेत है, तीन पुरुष ले गया इस खेत को छह दिन में खोदा, कोई दिक्कत नहीं। मैं उन्हें बोला अगली बार जब मेरा खेत दोबारा घास हो गया कि भाई मुझे छह दिन में नहीं खुदवाना, मुझे तो एक दिन में खुदवाना। तो अगर मैं इस खेत में एक दिन में खुदवाऊंगा तो खेत कोई छोटा बड़ा तो नहीं होने का, सिर्फ क्या होगा, तीन पुरुष खोदते थे छह दिन में, तीन पुरुष खोदते थे छह दिन में, अगर ये एक दिन में खुदवाना तो खेत छोटा बड़ा नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, दिन का घटना आदमी का बढ़ना। दिन अगर कम लगाने तो आदमी बढ़ाने पड़ेंगे, तो आदमी दिन में विलोम अनुपात होता है, दिन घटेंगे तो आदमी बढ़ेंगे, कौन सी गुणा, सिद्धि। तो 36 18 आदमी एक दिन में करवाना तो क्या होगा, 18 आदमी लाने पड़ेंगे, 6 गुणा दिन घटे तो 6 गुणा आदमी बढ़ेंगे, क्लियर। तो क्या करोगे, यहां करवा लो आप, इस बात को क्लियर हुआ, ठीक। चलो बात नहीं समझ लो आप, समझे इस बात को। लेकिन अगर मैं बोल लूं कि भैया तीन पुरुष ने खोदा छह दिन में, मुझे तो एक पुरुष का करवाना यो सारा खेत, तो क्या होगा, सिर्फ अब दिन बढ़ जाए, तो आदमी घटना दिन का बढ़ना विलोम अनुपात हो रहा, कौन सी गुणा, सिद्धि, तीन गुणा छह बटा एक, 36 18 दिन लगेगी। अगर मैं एक दिन में करवाऊंगा तो पुरुष बढ़ेंगे, और मैं कम पुरुष का करवाऊंगा तो दिन बढ़ेंगे, कोई दिक्कत। तो देखो, अगर मैं एक पुरुष का करवाऊं तो क्या होगा, 3 6 18 दिन, कोई दिक्कत। यहां भी एक महीने से करवा लो तो क्या होगा, 18 बन जाए 90 दिन। अब देखो ये सवाल बन गया सिंपल, ये सवाल क्या बन गया, सिंपल। क्या सवाल बना कि एक पुरुष किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, एक महिला वही काम 90 दिन में कर सकती है, तो 4 पुरुष 10 महिला मिलकर इस काम को कितने दिन में करेगी, काम होगा तो जब करेगी, 18 और 90 से कटने वाली संख्या 90 होगी, भाग करो 18 बन जाए 90, एक पुरुष एक दिन में 5 बीघा, 90 का 90, एक महिला एक दिन में 1 बीघा, तो 4 पुरुष 10 महिला इस काम को कितने दिन में करेगी, एक पुरुष 5 बीघा तो 4 पुरुष 20 बीघा, एक महिला 1 बीघा तो 10 पुरुष 10 महिला, डेली कितना 30 बीघा, तो 90 बटा 30 बराबर 3 दिन इसका आंसर है। लेकिन यो तरीका भी गलत है, अब बोर मत हो, क्या कर रहा, यो भी तरीका गलत बता रहा, सिखा क्यों रहा के यो, भैया जब मैं शॉर्ट करूंगा तो आपको एक चीज का पता होना चाहिए, क्यों शॉर्ट हुआ, कारण क्या है, अगर आपको पूरा मैथ सीखना है, यो तरीका क्यों गलत है, आंसर आ गया, यो तरीका इसलिए गलत है, समझो आप, यो सवाल हो गया। चलो मैं दूसरा सवाल बनाता हूं, यो तरीका क्यों गलत है मैं समझाऊंगा आपको भी। तीन पुरुष किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं,
18 दिन में कर सकते हैं, तथा 6 बच्चे इसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। तो 4 पुरुष तथा 4 बच्चे मिलकर क्या बापू, इस काम को कितने दिन में करेंगे? सवाल है, 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में करते हैं, 6 बच्चे वही काम 18 दिन में करते हैं, क्लियर? तो 4 पुरुष और 4 बच्चे मिलकर तथा मतलब वो जमा कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे? मैं चाहूं तो एक पुरुष का करवा सकता हूं, 18 या 54। अगर मैं एक पुरुष का करवाऊंगा कितना हो जाएगा? 54 दिन में। यो काम कितने दिन में होगा? 54 में। अगर मैं 6 बच्चों की जगह एक बच्चा ले जाऊं कितना हो जाएगा? 108, 18 × 6, क्लियर? एलसीएम कितना आएगा? 108, 54 × 108, 108 × 108। एक पुरुष कितना? 2 बीघा। तो भैया 4 पुरुष कितना? 8 बीघा। एक पुरुष 2 बीघा, तो 4 कितना? 8 बीघा। एक बच्चा 1 बीघा, तो 4 बच्चे 4 बीघा। रोज का कितना? 12 बीघा। तो भैया 108 कितने में? 12 × 108 आंसर आ गया। लेकिन यह तरीका क्यों गलत है समझे? तो यह तरीका क्यों गलत है? यह तरीका इसलिए गलत है, अगर यहां मैं आज 36 कर दूं और यहां 40 कर दूं, अब मैं यहां एक पुरुष का करवाऊंगा तो दिन आओगे बहुत ज्यादा, यहां एक बच्चे से करवाऊं तो दिन आओगे बहुत ज्यादा, फिर एलसीएम आओगे बहुत ज्यादा, जब यहां से कटूंगा तो बीघा आओगा बहुत ज्यादा, जब मैं यहां से कटूं बीघा आओगे बहुत ज्यादा। एक तो एलसीएम में दिक्कत, फिर काटने में दिक्कत, फिर यहां गुणा करने में दिक्कत, फिर भाग करने में दिक्कत। अगर ये बड़े हो जाए तो ये तरीका इसलिए मैं गलत मानता हूं अपने तरीके में। तो कैसे करेंगे? समझे आप? यहां कितना है भैया? 3 पुरुष। यहां कितना भैया? 6 बच्चे। तो समझा भाई बात, समझे? 3 पुरुष कोई काम 18 दिन में कर रहे, कोई दिक्कत नहीं। 3 पुरुष ले गया खेत में 18 दिन में करा। अगर मुझे ये काम मैं कह दूं कि दिन में करो, क्या होगा? खेत तो छोटा बड़ा नहीं होने का, आदमी ज्यादा लाने पड़ेंगे, दिन घटाने हैं तो आदमी ज्यादा, तो सिद्धि गुणा विराम अनुपात है। 18 × 1 दिन घटे तो 18 × 1 आदमी कितने? 54 पुरुष। कोई दिक्कत तो नहीं? समझा बुझा। तो देखो यहां क्या करोगे आप, एक दिन में करवाओगे काम, 54 पुरुष, यहां भी एक दिन में करवाओ कितना? 108 बच्चे। अब ये सवाल क्या बना? चौवन पुरुष जिस काम को एक दिन में कर रहे, वही काम 108 बच्चे, वही काम 108 बच्चे एक दिन में कर रहे। इसका मतलब क्या है? 54 पुरुष की एक दिन की क्षमता 108 बच्चों की एक दिन की क्षमता बराबर है, यानी कि 54 पुरुष का एक दिन का काम
108 बच्चों का एक दिन का काम बराबर है, क्लियर। अब क्या करनी, क्षमता बराबर करनी। तो पहले ना काट के छुट्टे कर लो, जिस संख्या से भाग करो इससे भाग करो, 54 कम 54, 54 दूनी 108। यू सवाल बना, एक पुरुष की एक दिन की क्षमता, दो बच्चों की एक दिन की क्षमता बराबर है, यानी कि एक पुरुष का एक दिन का खुदा हुआ खेत, दो बच्चों का एक दिन का खुदा हुआ खेत बराबर है। अब इनको बराबर करो, बराबर करने के लिए क्या करते हैं, दो इधर कर दो एक इधर, यानी कि दो एकम दो, तो एक पुरुष ने एक दिन में खोदा दो बीघे। अब देखो दो एकम दो, तो ये आ गया खेत, यानी कि दो बीघे इसने खोदा दो इसने, बराबर हो गया। पलट दो बस, दो इधर एक इधर, यानी कि यो है बीघा, यो है क्षमता, यो क्या है क्षमता, यानी कि दो बीघे खोदता है एक पुरुष, दो एकम दो। अब दो ही बीघे खेत खोदना बच्चों को, तो एक बच्चा एक बीघा, ये क्या है क्षमता, एक बच्चा एक बीघा, एक दूनी दो बीघा, यानी कि क्या निकलेगी क्षमता। अभी क्षमता निकलेगी तो किसी भी एक समीकरण मान रख दो, या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो, आपका काम बन जाएगा, खेत बन जाएगा, फिर भाग कर दियो। पुरुष लो पुरुष, चलो पुरुष ले लो, एक पुरुष दो बीघा, तो तीन पुरुष एक दिन में दो तिया छह बीघा, यानी कि डेली खोलते हैं छह बीघा, काम कितने दिन लोग करा 18 दिन लोग, तो कितना खेत 6 × 18, वही 108 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप यहां रखोगे मान बच्चों का, बच्चों की क्षमता है एक बीघा, तो एक बच्चा एक बीघा, तो छह बच्चे छह बीघा, 18 दिन में कितना 18 × 6, काम तो आओ बराबर ही, तो यह क्या आ गया काम, किससे करवाना, चार पुरुष चार बच्चों से, एक पुरुष खोदता है दो बीघा तो चार कितना 8, एक बच्चा खोदता है एक बीघा तो चार बच्चे कितना 4, एक दिन में कितना 12, कर दो भाग 12 से, 6 × 12 भाग कर कितना 9 दिन, क्लियर। लेकिन यो भी तरीका क्या है, गलत है। यो गलत क्यों है, यहां अगर दिन ज्यादा हो, यहां 60 दिन हो या 70 हो, तो ये ज्यादा बड़े आओगे, एक दिन में अगर करवाओगे ये ज्यादा बड़े हो जाएंगे, ये ज्यादा बड़े हो जाएंगे तो यहां काटने में दिक्कत आओगी। तो करना क्या है समझो, मैं सवाल उस ऑर्डर दिखा रहा, समझो देखो, ऐसा करो सवाल को, तीन पुरुष किसी काम को 18 दिन में करते हैं, 108 बच्चे सॉरी 6 बच्चे उसी काम को 18 दिन में करते हैं। सवाल एक, तीन पुरुष किसी काम को 18 दिन में करते हैं, 6 बच्चे उसी काम को 18 दिन में करते हैं, जिस काम को इन्होंने करा उस काम को इन्होंने करा, तो क्या करोगे आप, कैसे करो, तीन पुरुष की 18 दिन की क्षमता, तीन पुरुष का 18 दिन में किया गया काम, 6 बच्चों का 18 दिन में किया गया काम बराबर है। तीन पुरुष ने 18 दिन में जितना खेत खोदा, 6 बच्चों ने 18 दिन में उतना ही खेत खोद देंगे। अब क्या करना, अगर मैं दिन की गुणा यहां करूं, दिन की गुणा यहां करूं, तो क्या हो जा, ये बन जा एक दिन का काम, अभी दिखाई तो ना कर रहे हैं, अगर एक दिन में करवाना हो तो 18 × 54, क्लियर। तो अभी ने पहले गुणा से गुणा की चीज काट लो, पुरुष से बच्चे काट लो, 18 से 18 यहां रह गया एक, यहां रह गया एक, अब देखिए गुणा करो, एक किया 3, ये हो गया 3 पुरुष, एक छिका 6 बच्चे, दिन की गुणा यहां करते ही ये हो गया एक दिन का काम, दिन की गुणा यहां करते हो गया एक दिन का काम, तीन पुरुष की एक दिन का खेत, 6 बच्चों का एक दिन का खेत बराबर है। अब बराबर करो, 6 इधर 3 इधर, 3 × 6 = 18, 6 × 18 हो गया खेत बराबर, जितना खेत इन्होंने खोदा उतना खेत इन्होंने, यह क्या है क्षमता, यानी कि एक पुरुष खोदता 6 बीघा तो 6 × 18,
एक बच्चा खुद है 3 बीघा 3 6 18, छोटे कर लो इन्हें भी, इन्हें भी छोटे कर लो, कैसे इसे करो समझा रहा हूं मैं शॉर्ट करके, यहां भी यहां कर लो 3 एकम 3 3 2 6 यानी कि 1 पुरुष बराबर 2 बच्चे, यानी कि 1 पुरुष की 1 दिन की 2 पुरुष की 1 दिन का खेत खुदा हुआ बराबर है। तो खोदने में जब कोई क्षमता होगी तो 2 इधर 1 इधर, ये क्या है क्षमता, 1 2 2 2 1 2, ये हो गया खेत बराबर। तो 1 पुरुष का 2 बीघा 1 2 2, 1 बच्चे का 1 बीघा 1 2 2, ये क्या बनेगी क्षमता। अब इस क्षमता को, अच्छा जब तक क्षमता नहीं पता लगने की आप खेत नहीं बना सकते। जब मुझे यूज नहीं पता एक आदमी कितना काम कर रहा तो 3 कितना करेंगे, 3 का पता लग गया कितना करे तो 18 दिन में कितना करा जब खेत बनेगा, जब भाग दिया जाएगा। जब तक क्षमता नहीं पता आदमी की, ध्यान क्या रखेंगे, तो मैंने क्षमता काटना 1 पुरुष 2 बीघा तो 3 कितना 6 बीघा, डेली 18 दिन में कितना 6 गुना 18 आधे खेत, 24 समीकरण मान रख लो, 1 6 6 गुना 18 खेत आओ इतना ही। तो 1 पुरुष कितना 2 2 6 8, 1 बच्चा कितना 1 1 चौका 4, रोज कितना 12 कर दो भाग, 6 2 12 बराबर कितना 9। हर सवाल ऐसे करना है। अब जो 2 सवाल समझाए वो इसी तरीके से आपको करने हैं। बच्चों आपकी बात समझ में आ गई होगी, क्लियर? तो सवाल कितना हुआ अब तक, 1। अब इसी सवाल को वो कैसे घुमा सकता है, वो घुमाता है सवाल 6 लड़के या 4 पुरुष किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, क्लियर? सॉरी सवाल लिखा ही मैंने, 6 लड़के या 4 पुरुष किसी काम को, 6 लड़के या 4 पुरुष किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो बताओ, तो बताओ 3 लड़के 10 पुरुष, 3 लड़के 10 पुरुष मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो सवाल क्या है, 6 लड़के या 4 पुरुष एक काम क्या दिन में कर रहे 18 में। इसको कहना क्या चला कि 6 लड़के लगाओ जब भी काम 18 दिन में, 4 पुरुष लगाओ जब भी काम 18 दिन में। तो इस सवाल को सिर्फ घुमाया गया है। यह सवाल ऐसे लिख सकता हूं मैं कि 6 लड़के इस काम को 18 दिन में कर सकते हैं, 4 पुरुष इसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। तो 3 लड़के और 10 पुरुष इस काम को कितने दिन में करेंगे, क्लियर? तो क्या करना है इसमें, तो कह सकूं 6 लड़कों की 18 दिन का क्षमता, 6 लड़कों की 18 दिन की क्षमता 4 पुरुष की 18 दिन की क्षमता बराबर है। दिन से दिन काट दो, 1 6 6 पुरुष से पुरुष काट दो, 2 2 4 2 3 6 1 3 3, 3 लड़कों की 1 दिन की क्षमता, दिन की गुणा कर दो 1 दिन हो जा, 1 2 2, 2 पुरुष की 1 दिन की क्षमता बराबर है। क्षमता बराबर करो 3 इधर 2 इधर, तो ये क्या आ गई क्षमता। 1 लड़का खोदा 3 बीघा 3 3 9 बीघा सॉरी 2 2 4 2 3 6 2 इधर 3 इधर 2 3 6 3 2 6 आगे खेत बराबर, 1 लड़का यानी कि 2 बीघा 2 6 1 पुरुष 3 बीघा 3 6 आगे बराबर, बस
मान किसी के समीकरण में रखो, आंसर लो, लो पुरुष लो, पुरुष एक पुरुष 3 बीघा तो 4 कितना 12 बीघा डेली, 18 दिन में कितना 12 गुना 18, तो भैया 3 लड़के 10 पुरुष मिलके कितने दिन में, 1 लड़का 2 बीघा तो 6 2 3 6, 1 पुरुष 3 बीघा 3 धाम 30, रोज कितना 36 बीघा, भाग कर दो 36 से, 12 3 36, 3 से भाग करो 3 6 18, 6 दिन क्लियर। तो बच्चों एक सवाल है इसका, वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, आज के लिए इतना ही काफी। शेयर करो, कमेंट लगी हो तो मुझे कमेंट कर बताओ, अच्छी लगी हो तो, आज के लिए इसमें इतना ही काफी है।